जय हिंद दोस्तों, आज आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है क्लास 1 से 5 का। चलिए हम इसका हिंदी का आंसर की देखते हैं, आपका हिंदी का सोल्यूशन करते हैं और आप लोग जल्दी जल्दी हिंदी का आप आंसर की मिला लीजिए और देखिए आपको कि हिंदी में कितने आपका नंबर आ रहे हैं, यानी कितना आपका क्वेश्चन सही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते आपका 91 से 99 तक आपका इस पैसेज से संबंधित प्रश्न है, तो आपको हम इसमें सिर्फ आपको आंसर बताएंगे। तो इसमें हम पैसेज आपको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको पैसेज पढ़ने में समय अधिक लगेगा, आपको हम आंसर बता देते हैं। आपका देखिए 94 जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, पुरुषार्थ क्या होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाइए। क्वेश्चन आपका 95 जो है, क्वेश्चन आपका जो 95 है कि मन की कोठरी को स्वच्छ रखे, इसका तात्पर्य क्या है। ऑप्शन का 1 होगा कि मन से बुरे भावों का निष्कासन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 होगा कि ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 97 है, क्वेश्चन है कि स्वार्थ का विलोम क्या होगा, स्वार्थ का विलोम होगा निस्वार्थ, ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है, क्वेश्चन है कि मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो मानवीय क्या है, तो ई है, आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है, क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है, ऑप्शन आपका 2 होगा कि अंधकार अंधेरा, ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए आपका यहाँ 100 से लेकर 105 तक आपका, यानी इससे आपका संबंधित क्वेश्चन है, आपका काव्यांश दिया है, इसको पढ़कर आपको इसका आंसर देना है। चलिए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका 100 है, क्वेश्चन 100 का होगा कि कविता का मुख्य स्वर क्या है, ऑप्शन 1 होगा स्त्री शक्ति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 101 है, 101 है कि कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है, आपका ऑप्शन 4 होगा संज्ञान योग्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 102 है, क्वेश्चन है कि स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, ऑप्शन इसका होगा 1 अवला, ऑप्शन क्या होगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 103 है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री के निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में निहित है, ऑप्शन आपका 4 होगा कि युग निर्माण तुम्हें करना, ऑप्शन 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 104 है, क्वेश्चन है कि कविता के अनुसार स्त्री को ऑप्शन 1 होगा कि स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 105 है, क्वेश्चन है कि जननी हो संपूर्ण जगत की, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ऑप्शन 1 होगा रूपक अलंकार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 106 है, क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचय करवा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है, ऑप्शन 2 हो जाएगा कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 है, क्वेश्चन है कि भाषा सीखना किससे संबंधित है, ऑप्शन 3 हो जाएगा कौशल, यानी किससे संबंधित है, कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 108 है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा कि स्व निरीक्षण करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 109 है, ऑप्शन 2 होगा कि समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 110 है, क्वेश्चन आपका 110 है। अब देखिए 110 का आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी ए का 5 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा, डी का 4 होगा और ई का 3 होगा, आंसर क्या होगा, आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 111 का क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, सहपाठी आंकलन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 112 है, 112 देखिए 112 का भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 113 का आपका आंसर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 114 देखिए आपका, इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा उपयोगितावादी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 115 है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 व्यवहारवाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 116 हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा कि उद्गामी समाधान, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 117 है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 कि संभाषिक पठन, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 है,
क्वेश्चन आपका 118 है, 118 का जगह आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 होगा संरचनात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 119 है, क्वेश्चन आपका 119 है, 119 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कि ए गलत है आर सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 120 है, क्वेश्चन 120 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन 1 में क्या है उसको आपको देखना है, ठीक है। आपका हो सकता है यही आपका ऑप्शन 3 में हो या ऑप्शन 4 में हो, तो आपको देखना है कि ऑप्शन 1 में क्या लिखा गया, ठीक है। और वही आप देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में ये शब्द आपका कहाँ पर है, ठीक है, ये लाइन आपका किस ऑप्शन में है, तो आपका ये सही होगा। ऐसा नहीं कि 1 सही तो 1 ही आपका भी सही होगा, क्योंकि हो सकता है आपका आपका बुकलेट अलग हो, ये आपका बुकलेट नंबर सी है, ठीक है। आपका हो सकता है बुकलेट अलग हो तो आपका ऑप्शन अलग होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन अलग होगा। तो आप ऐसे देखिए कि इसमें लिखा क्या गया है, मान लीजिए इसका 1 सही है तो ठीक है 1 से, लेकिन इसमें क्या लिखा गया आपको देखिए, आपका ये जो लिखा गया वो आपका किस ऑप्शन में है, ठीक है, आपका वो सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको मिलाना है, ठीक। तो ये था आपका यानी 1 to 5 के लिए आपका हिंदी, वो भी आपका लैंग्वेज 1 में, ध्यान दीजिए लैंग्वेज 1 के पेपर में आपका हिंदी जो रखे थे इसका आपका ये आंसर की था। तो आप मिला कर देखिए आपको हिंदी में कितने मार्क आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।